हेलो बच्चों, गंगवार इंस्टीट्यूट फॉर नीट चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार। और बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय हम क्रैश कोर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जो हमारा क्रैश कोर्स है उसमें हम चैप्टर वन को भी फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं। और इस चैप्टर वन में हमने अभी दो वीडियोस अपलोड की हैं, जहां पर पहली वीडियो में हमने लिविंग के कैरेक्टर के बारे में डिस्कस किया और दूसरी वीडियो की अगर हम बात करें तो उसमें हमने टैक्सोनॉमी के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में, नॉमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस किया। आज की ये हमारी जो तीसरी वीडियो है चैप्टर वन की, ये है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के ऊपर और टैक्सोनॉमिकल ऐड के ऊपर। देखिए, मैंने आपसे ये कहा था कि इस सीरीज में, जो क्रैश कोर्स की हमारी सीरीज है, इसमें हम डेली एक चैप्टर को डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल थोड़ी सी दिक्कतें हैं, नेट की प्रॉब्लम की वजह से छोटे छोटे पार्ट में हम कर रहे हैं, लेकिन जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो एक दिन में एक चैप्टर को हम कवर कर लेंगे। तो अभी हम यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं द लिविंग वर्ल्ड में टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज से। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की अगर हम बात करते हैं तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को यहाँ पर अगर हम इन कैटेगरीज के बारे में बात करें तो जैसे यहाँ पर सेवन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आपको दी गई हैं। इनको आपको याद करना है: किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। याद करने के लिए निमोनिक भी आप याद कर सकते हैं। यहाँ पर निमोनिक इसका हो जाएगा, दैट इज किंग, किंग, प्लेस, चेस, ऑन, फाइन, ग्रीन, सिल्क। इस निमोनिक के द्वारा आप इन कैटेगरीज को सही सीक्वेंस में याद रख सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि जो फाइलम वर्ड है ये हम यूज करते हैं एनिमल के क्लासिफिकेशन में, और डिवीजन का यूज किया जाता है प्लांट के क्लासिफिकेशन के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में। क्लासिफिकेशन की अगर बात की जाए तो क्लासिफिकेशन सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, बल्कि यहाँ पर बहुत सारे स्टेप होते हैं और इन स्टेप को रैंक या कैटेगरी कहा जाता है। जैसे जो अभी आपने सेवन अलग अलग टर्म मैंने आपको बताया, किंगडम से लेकर स्पीसीज तक, इनको रैंक या कैटेगरी कहा जाता है। और चूंकि ये टैक्सोनॉमी में मदद करती है इसलिए इन्हें टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के नाम से जाना जाता है। और जब सारी कैटेगरीज को एक साथ मिलाते हैं तो इसे टैक्सोनॉमिक हायरार्की का नाम दिया जाता है। तो अभी जो पूरा सीक्वेंस आपने यहाँ पर देखा है, इस पूरे सीक्वेंस को हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की के नाम से जानते हैं। ये पूरा जो सीक्वेंस आपको दिखाया गया ये हायरार्की है। अगर आप किंगडम से स्पीसीज की तरफ जाते हैं तो इसे डिसेंडिंग कहा जाता है, और स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे तो इसे असेंडिंग कहा जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर किंगडम एक कैटेगरी या टैक्सॉन या रैंक है, फाइलम भी एक टैक्सॉन है, फैमिली भी एक टैक्सॉन है, स्पीसीज भी एक टैक्सॉन है। तो ये सेवन कैटेगरीज हैं, और जब सेवन कैटेगरीज को एक सही सीक्वेंस में हम अरेंज करते हैं तो इसी को हायरार्की कहा जाता है। तो अब यहाँ पर टैक्सोनॉमिक हायरार्की का मतलब हो गया कि जब सभी कैटेगरीज को हम एक साथ प्लेस करते हैं तो इसी को हायरार्की कहते हैं। अब यहाँ पर हर एक कैटेगरी क्लासिफिकेशन की यूनिट कहलाती है, और इन्हीं कैटेगरी को रैंक कहा जाता है, और इसके लिए टैक्सॉन टर्म भी यूज किया जाता है। अब जो टैक्सॉन है और एक टर्म टैक्सा आपसे पूछा जाता है, तो टैक्सॉन एक सिंगुलर वर्ड है और टैक्सा एक प्लूरल वर्ड है। जैसे मैं कहूँ जीनस एक टैक्सॉन है, फैमिली एक टैक्सॉन है, और अगर मैं कहूँ कि जीनस, फैमिली, स्पीसीज, दीज आर टैक्सा, तो बस इतना यहाँ पर डिफरेंस है यहाँ पर। अब टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए अलग अलग तरह के टैक्सॉन का हम यूज करते हैं, जो सेवन टैक्सॉन आपको बताए गए। तो टैक्सोनॉमिक स्टडीज करने के लिए साइंटिस्ट ने कुछ कॉमन कैटेगरीज बनाई, जो मैंने आपको बताई: किंगडम, फाइलम और डिवीजन, डिवीजन प्लांट के लिए, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दोज इन प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव स्पीसीज एज द लोवेस्ट कैटेगरी। यहाँ पर जो स्पीसीज है ये सबसे लोवेस्ट कैटेगरी है, और अगर हम बात करते हैं किंगडम के बारे में तो ये हाईएस्ट कैटेगरी हो जाती है। स्पीसीज सबसे नीचे आती है तो लोवेस्ट कैटेगरी हो जाएगी और किंगडम हाईएस्ट कैटेगरी हो जाएगी। अब यहाँ पर इन सभी कैटेगरीज के बारे में वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अब क्लासिफिकेशन या हायरार्की बनाने के लिए सबसे जो जरूरी बात है, द बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म।
देखिए, जब आप क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसके लिए आपको बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कैरेक्टर के बारे में। जैसे मान लीजिए ह्यूमन को आप क्लासिफाई करना चाहते हैं मैमल में, तो इसके लिए आपको कैरेक्टर के बारे में पता होना चाहिए कि जैसे एक्सटर्नल ईयर और बॉडी हेयर के बारे में। तो इन सभी 7 कैटेगरीज को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, स्पीसीज से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। अब जैसा कि मैंने अभी बताया कि स्पीसीज सबसे लोएस्ट कैटेगरी है, और जो टैक्सोनॉमिक स्टडीज की शुरुआत हम करते हैं ये स्पीसीज लेवल से करते हैं। ये सबसे जो बेसिक आप कह सकते हैं यूनिट क्लासिफिकेशन की, वो स्पीसीज होती है। एक स्पीसीज को दूसरी स्पीसीज से हम अलग कर सकते हैं कुछ क्लोजली, कुछ मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस के आधार पे। जैसे आपसे मैं कहूँ गाय के बारे में और कुत्ते के बारे में, तो गाय और कुत्ते को आप आसानी से पहचान सकते हैं, दोनों एक दूसरे से अलग जाती हैं क्योंकि दोनों की मॉर्फोलॉजी अलग है। अगर मैं आपसे कहूँ नीम के बारे में और आम के प्लांट के बारे में, तो आप बता सकते हैं, दोनों को देख के बता सकते हैं, दोनों अलग अलग जाती हैं क्योंकि दोनों में मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। अब जैसे यहाँ पर मैंजी फेरा इंडिका एक नाम लिया गया, सोलेनम ट्यूबिरोसम पोटेटो और पैंथेरा लियो लायन। अब ये जो 3 नेम यहाँ पर आपको बताए गए, जिनमें इंडिका, ट्यूबरोशम और लियो, ये एक स्पेसिफिक एपिथेट को बताते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि साइंटिफिक नेम का जो दूसरा वर्ड होता है ये स्पेसिफिक एपिथेट को बताता है, और जो पहले वर्ड है मैंजी फेरा सोलेनम और पैंथेरा, ये जेनरा को रिप्रेजेंट करते हैं। जेनरा प्लूरल फॉर्म है, और ये जो जेनरा या जीनस होता है ये हायर लेवल का टैक्सॉन है, यानी स्पीसीज के बाद जो अगला टैक्सॉन होता है वो जीनस होता है। एक जीनस के अंदर एक से ज्यादा स्पीसीज प्रेजेंट हो सकती हैं, लेकिन उनमें मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज पाई जानी चाहिए। जैसे अगर हम पैंथेरा की बात करें, तो पैंथेरा एक जीनस है और पैंथेरा में टिग्रिस नाम का स्पेसिफिक एपिथेट है। इसी तरह सोलेनम की अगर बात करें, तो सोलेनम में नाइग्रम को और मेलांजिना को इंक्लूड किया जाता है। ह्यूमन की बात करें, तो ह्यूमन की एक स्पीसीज है जो सेपियंस यहाँ पर होती है, और जो जीनस ह्यूमन का है दैट इज होमो, और एक साथ मिला के इसे होमो सेपियंस कहा जाता है। तो ये स्पीसीज के बारे में बात हो गई। अब अगले टैक्सॉन पे हम चलते हैं। अगला जो टैक्सॉन हमारा है दैट इज जीनस। जीनस की अगर हम बात करें, तो जीनस के अंदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को रखा जाता है। जीनस कंप्राइजेज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। तो जीनस के अंदर रिलेटेड स्पीसीज को रखा जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया है पोटैटो एंड ब्रिंजल, ये दो डिफरेंट स्पीसीज हैं लेकिन दोनों का जीनस सेम है सोलैनम। इसी तरह अगर लायन की बात करें, लेपर्ड की बात करें और टाइगर की बात करें, तो ये 3 अलग अलग स्पीसीज हैं जिन्हें एक ही जीनस पैंथेरा में रखा गया है। अब लायन का साइंटिफिक नेम आपको याद करना है पैंथेरा लियो, लेपर्ड यानी तेंदुए का साइंटिफिक नेम याद करना है पैंथेरा पेरेडस, और टाइगर का साइंटिफिक नेम हो जाएगा पैंथेरा टिग्रिस। इसी तरह अगर हम बात करते हैं पोटैटो और ब्रिंजल के बारे में, मकोई के बारे में, तो पोटैटो और ब्रिंजल दोनों का जीनस सोलेनम है। सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो हो जाएगा, सोलेनम मेलांजिना ब्रिंजल हो जाएगा, सोलेनम नाइग्रम मकोई हो जाएगा। तो इन तीनों को एक ही साथ एक ही जीनस में रखा गया क्योंकि इस इनमें कॉमन कैरेक्टर पाए जाते हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं फेलिस नाम के जीनस के बारे में, तो फेलिस नाम के जीनस में कैट्स को इंक्लूड किया जाता है, और कैट का पूरा नाम हो जाएगा फेलिस डोमेस्टिका। अब आते हैं तीसरी कैटेगरी पर। तीसरा जो टैक्सॉन हमारे पास है दैट इज फैमिली। तो फैमिली की बात करते हैं यहाँ पर। फैमिली नेक्स्ट कैटेगरी है टैक्सोनॉमिक हायरार्की में, और फैमिली में हम रिलेटेड जेनरा को प्लेस करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे जीनस की बात हमने की, तो अगर हम स्पीसीज से चलते हैं हायरार्की में, तो स्पीसीज के बाद जीनस आता है, जीनस के बाद फैमिली आती है इस तरीके से। तो अब आप ये कह सकते हो कि जीनस के अंदर रिलेटेड स्पीसीज रखी जाती हैं, फैमिली के अंदर रिलेटेड जेनरा प्लेस किए जाते हैं। फिर फैमिली के आगे आप बढ़ोगे तो फैमिली के ऊपर आएगा ऑर्डर, तो ऑर्डर में आप कहोगे कि ऑर्डर के अंदर रिलेटेड फैमिलीज को प्लेस किया जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे कॉमन कैरेक्टर घटते चले जाएंगे। तो वही यहाँ पर लिखा है विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज, यानी हायरार्की में जब हम असेंडिंग ऑर्डर में ऊपर की तरफ जाएंगे तो कॉमन कैरेक्टर घटते चले जाएंगे। अब यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है कि फैमिलीज आर
characterized by on the basis of both vegetative and reproductive feature of plant species. देखिए vegetative feature का मतलब होता है root stem leaf और reproductive feature का मतलब floral character की हम बात करते हैं. अब जैसे यहाँ पर तीन अलग अलग genera की हम बात करें, solanum एक अलग genera है, पिटूनिया एक अलग जीनस है, धतूरा एक अलग जीनस है. ये तीन डिफरेंट जनरा हैं जिन्हें एक ही फैमिली सोलेनेसी के अंदर प्लेस किया गया है. इसी तरह प्लांट में अगर देखें, सॉरी एनिमल में अगर देखें, तो एक जीनस पैंथेरा है, पैंथेरा के अंदर लायन टाइगर लेपर्ड को रखा गया है, और जीनस फेलिस की बात करें तो इसके अंदर कैट को रखा गया, और इस पैंथेरा और फेलिस इन दोनों को एक ही फैमिली फेलिडी के अंदर प्लेस किया गया है. तो फेलिडी फैमिली हो जाएगी लायन की, टाइगर की, लेपर्ड की और कैट की. इसी तरह अगर हम बात करते हैं कैनिडी के बारे में, तो कैनिडी डॉग की फैमिली और जो फेलिडी है ये कैट, लायन, टाइगर और लेपर्ड की फैमिली है. तो कैट और डॉग की अगर बात करें तो इन दोनों की स्पीसीज अलग है, जीनस अलग है और फैमिली भी एक दूसरे से अलग है. तो यहां पर बात हो गई फैमिली के बारे में. अब अगले लेवल पे हम चलते हैं, यह है ऑर्डर. ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं तो अब इसमें भी वही आप कहेंगे कि ऑर्डर के अंदर रिलेटेड फैमिलीज को प्लेस किया जाता है. तो यहां पर अगर हम बात करते हैं ऑर्डर और इसके ऊपर की जो कैटेगरी यानी क्लास, फाइलम और किंगडम, इनको आइडेंटिफाई किया जाता है एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर के आधार पर. यानी ज़्यादा कैरेक्टर की हमें ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी क्योंकि सिमिलरिटीज घटती चली जाती हैं हायर टैक्सोन में जाने पर. अब ऑर्डर की अगर बात करें तो दिस इज असेंबलेज ऑफ फैमिलीज. ये फैमिलीज का एक असेंबलेज है जहाँ पर फ्यू सिमिलर कैरेक्टर, मैंने आपसे कहा कि फैमिली जी स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाने पर कॉमन कैरेक्टर लगातार घटते चले जाते हैं. तो अब अगर यहां पर हम बात करते हैं प्लांट फैमिली, जैसे दो फैमिलीज के बारे में बताया गया, एक है कॉनवोल्यूलेसी, ये फैमिली है स्वीट पोटैटो की, और सोलनेसी ये फैमिली है पोटैटो की, इसके अलावा धतूरा की और पिटूनिया की. इन दोनों फैमिलीज को एक ही ऑर्डर में प्लेस किया गया जिस ऑर्डर का नाम है पॉलीमोनियल, और इन्हें रखा गया मेनली बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर. यानी फ्लोरल कैरेक्टर के आधार पे कॉनवोल्यूलेसी और सोलेनेसी इन दोनों फैमिली को एक ही ऑर्डर पॉलीमोनियल में रखा गया है. इसी तरह अगर हम बात करते हैं फेलिडी और कैनेडी फैमिलीज के बारे में, तो फेलिडी कैट की फैमिली है और कैनेडी डॉग की फैमिली, दोनों को एक ही ऑर्डर कॉर्नीओरा में प्लेस किया गया है क्योंकि इन दोनों फैमिलीज में सिमिलरिटीज़ हैं और सिमिलरिटीज़ के आधार पर इन दोनों फैमिलीज़ को एक ही ऑर्डर कॉर्नियोरा में प्लेस किया गया है. अब रिलेटेड जो ऑर्डर होते हैं उन्हें एक ही क्लास में प्लेस किया जाता है. तो क्लास की अगर हम बात करते हैं, क्लास कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर. अब जैसे हम ऑर्डर प्राइमेटा की बात करें, ये एनिमल का एक ऑर्डर है जिसमें मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन इन सभी को प्लेस किया गया है. तो मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन की अगर हम बात करते हैं तो इन्हें ऑर्डर प्राइमेटा में रखा गया है, और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं टाइगर, लेपर्ड, कैट, डॉग के बारे में तो इन्हें एक ऑर्डर कार्नियोरा में रखा गया, जो अभी ऊपर जस्ट आपको कार्नियोरा के बारे में बताया गया. अब ये जो प्राइमेटा ऑर्डर है जिसमें मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन है, और जो कार्नियोरा ऑर्डर है जिसमें टाइगर, कैट, लायन, लेपर्ड हैं, इन्हें एक ही क्लास मैमेलिया के अंदर प्लेस किया गया है. तो मैमेलिया के अंदर दो ऑर्डर आपने देखे, प्राइमेटा और कार्नियोरा, लेकिन मैमेलिया में और भी ऑर्डर होते हैं. मैमेलिया में टोटल 16 ऑर्डर होते हैं जहाँ पर दो ऑर्डर आपको पता चले, प्राइमेटा एंड कार्नियोरा. अब बात करते हैं अगले टैक्सॉन की, दैट इज फाइलम. फाइलम के अंदर रिलेटेड क्लास को प्लेस किया जाता है. अब जैसे कुछ क्लासेस की हम बात करते हैं, जैसे फिशेस की बात करें, एम्फीबियन की बात करें, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल, तो ये सभी अलग अलग क्लास हैं. जैसे मैमेलिया हमारा क्लास हो गया, मछलियों के लिए जो क्लास है वो फिशेस हो जाएगा, मेढक का क्लास एम्फीबिया हो जाएगा, छिपकली का क्लास रेप्टाइल हो जाएगा, चिड़िया का क्लास बर्ड हो जाएगा. इन सभी क्लासेस को, फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल को एक ही फाइलम में रखा गया है, और इस फाइलम का नाम है कॉर्डेटा. तो कॉर्डेटा के अंदर इन सभी क्लासेस को प्लेस किया गया क्योंकि फाइलम के अंदर रिलेटेड क्लास रखे जाते हैं. अब कॉर्डेटा में रखने के लिए कुछ कॉमन फीचर की हमें ज़रूरत पड़ती है. जैसे आप सभी जानते हैं कि कॉर्डेटा में जो भी होगा उसमें नोटोकॉर्ड पाया जाएगा और डॉर्सल होलो न्यूरल सिस्टम पाया जाएगा.
अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट के केस में आपको ध्यान रखना है कि रिलेटेड क्लास को प्लेस करने के लिए डिवीजन टर्म का यूज किया जाता है। तो अगर आप एनिमल का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो आप कहेंगे कि फाइलम इंक्लूड रिलेटेड क्लासेस, और अगर आप प्लांट की टैक्सोनॉमी को पढ़ रहे हैं तो आप कहेंगे डिवीजन इंक्लूड रिलेटेड क्लासेस। अब आते हैं सबसे हाईएस्ट टैक्सोन पे, दैट इज किंगडम। किंगडम की अगर हम बात करते हैं तो ये सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है, दैट इज हाईएस्ट कैटेगरी। और हाईएस्ट कैटेगरी किंगडम में अगर हम एनिमल की टैक्सोनॉमी में बात करते हैं तो हम कहेंगे रिलेटेड फाइला आर इंक्लूडेड इन द किंगडम, और अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो हम कहेंगे रिलेटेड डिवीजन्स इंक्लूडेड इन द किंगडम। तो अब किंगडम की जितने भी एनिमल हैं हमारी अर्थ पर, उन सभी को किंगडम एनिमेलिया के अंदर प्लेस किया गया है, और जितने भी प्लांट हैं उन्हें किंगडम प्लांटी के अंदर प्लेस किया गया है। और लिनियस ने इन्हीं एनिमल और प्लांट किंगडम के बारे में बताया है, जो अगले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो सेवन टैक्सॉन आपको दिए गए, इन सेवन टैक्सॉन का असेंडिंग और डिसेंडिंग अरेंजमेंट भी मैंने आपसे कहा कि अगर आप किंगडम से स्पीसीज की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर इसे डिसेंडिंग कहेंगे, और स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे तो इसे असेंडिंग कहा जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर अगर हम जाते हैं हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग, तो कॉमन कैरेक्टर लगातार घटते चले जाएंगे। और इसका मतलब ये हुआ कि जितना लोअर टैक्सा होगा, मतलब अगर हम नीचे की तरफ हैं तो मेंबर में कॉमन कैरेक्टर ज्यादा सिमिलर होंगे, और हायर अगर कैटेगरी है तो वहां पर कॉमन कैरेक्टर कम होंगे, और इसलिए टैक्सोनॉमी या क्लासिफिकेशन करना ज्यादा कठिन हो जाएगा। यानी जितनी हायर कैटेगरी होगी उसमें क्लासिफिकेशन या टैक्सोनॉमी उतनी ही कठिन हो जाएगी। अब यहाँ पर एनसीईआरटी ने एक टेबल आपको दी, और ये टेबल अच्छी तरीके से आप सबको आनी चाहिए। इस टेबल के अंदर आपको चार ऑर्गेनिज्म बताए गए, मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो और वीट। अब इन चारों की अगर हम बात करते हैं तो इन चारों में आपको, जैसे मैन में बायोलॉजिकल नेम याद करना होमोसेपियंस, जीनस होमो हो जाएगा, फैमिली होमिनिडी हमारी है, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमेलिया, और जो फाइलम है वो कॉर्डेटा हो जाएगा, और किंगडम एनिमेलिया हो जाएगा। हाउस फ्लाई साइंटिफिक नेम इसका है मस्का डोमेस्टिका, जीनस मस्का हो जाएगा, फैमिली म्यूसिटी हो जाएगी, ऑर्डर पे ध्यान दीजिएगा डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, और किंगडम एनिमेलिया हो जाएगा। मैंगो साइंटिफिक नेम मैंजीफेरा इंडिका, जीनस मैंजीफेरा, फैमिली एनाकार्डेस इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर सेपिंडेल ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्लास डाइकोटिलेडनी काफी इंपॉर्टेंट है, और इसका डिवीजन टर्म यूज करोगे एंजियोस्पर्मी, और किंगडम हो जाएगा प्लांटी। वीट की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम टिटिकम एस्टिवम, जीनस टिटिकम हो जाएगा, फैमिली पोएसी होगी, ऑर्डर पोएल हो जाएगा, क्लास मोनोकॉटिलेडनी काफी इंपॉर्टेंट, और डिवीजन एंजियोस्पर्मी हो जाएगा, और इसका जो किंगडम होगा वो प्लांटी हो जाएगा। तो ये बात हो गई टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में, जहां पर हमने सभी कैटेगरीज को डिस्कस किया। अब आते हैं सबसे लास्ट टॉपिक, दैट इज टेक्सोनॉमिकल ऐड। देखिए टेक्सोनॉमिकल ऐड का मतलब क्या है ये पहले समझ लीजिए आप। देखिए ऐड्स का मतलब होता है हेल्प करने वाला, तो ऐसा कोई भी तरीका जो टैक्सोनॉमी करने में हमारी मदद करेगा उसे हम टैक्सोनॉमिकल ऐड कहेंगे। तो टैक्सोनॉमी करते क्यों है, टैक्सोनॉमिक स्टडी करने से हमें क्या फायदा होता है, पहले ये जान लीजिए। टैक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट एनिमल एंड अदर ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर। टैक्सोनॉमिक स्टडीज हमारे एग्रीकल्चर में फायदेमंद होती हैं, फॉरेस्ट्री बागवानी में, इंडस्ट्री में, एंड इन जनरल इन नोविंग अवर बायो रिसोर्सेज एंड देयर डाइवर्सिटी। जब हम टैक्सोनॉमिक स्टडी करते हैं तो हमें अपने रिसोर्सेज के और उनकी डाइवर्सिटी के बारे में पता चलता है। जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारी अर्थ की बायोडायवर्सिटी 1.7 टू 1.8 मिलियन है, तो ये हमें कैसे पता चला, जब हमने टैक्सोनॉमी की तभी हमें इसके बारे में पता चला। दीज स्टडीज वुड रिक्वायर करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान करना, रिक्वायर इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडी। लेबोरेटरी स्टडी उन्हें कहते हैं जो हम लैब में करते हैं, और फील्ड जो हम लैब के बाहर करते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसमैन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज इज इसेंशियल एंड इट इज द प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडी। ये लाइन बहुत खास है, आपसे सीधा सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता, प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडीज, तो आपका आंसर होगा कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसमैन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज। जैसे आपने हर्बेरियम फाइल बनाई थी तो हर्बेरियम फाइल में आपने प्लांट की पत्ती इकट्ठी की थी, दैट इज एक्चुअल स्पेसमैन ऑफ प्लांट।
आप देखते हैं कि जो म्यूजियम होते हैं वहां पर एनिमल का कंकाल रखा होता है, इंसेक्ट रखे होते हैं, तो दीज आर एक्चुअल स्पेसमैन। आप चिड़ियाघर जाते हैं वहां पर शेर है, दैट इज एक्चुअल स्पेसमैन। आप बॉटनिकल गार्डन जाते हैं वहां पर प्लांट लगे हैं, दैट इज एक्चुअल स्पेसमैन। तो इन्हें नमूने कहा जाता है, और ये नमूने इकट्ठा करना टैक्सोनॉमिक स्टडीज का सबसे मुख्य सोर्स माना जाता है। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग तरह से हम इन स्पेसिमेन को स्टोर करते हैं और साथ ही इंफॉर्मेशन को भी स्टोर करते हैं। इन सम केसेस स्पेसिमेन आर प्रिजर्व फॉर फ्यूचर स्टडीज। जैसे हर्बेरियम की बात करें, म्यूजियम की बात करें, तो यहाँ पर नमूनों को फ्यूचर स्टडीज के लिए इकट्ठा किया जाता है। अब साइंटिस्ट ने कई सारे तरीके विकसित किए हैं इस इंफॉर्मेशन को और स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के लिए, और कुछ टेक्निक के बारे में यहां पर आपको बताया गया। तो टोटल 9 टेक्निक हमारे पास हैं। पहली टेक्निक है हर्बेरियम, दूसरी है बॉटनिकल गार्डन, तीसरी है जूलॉजिकल पार्क, चौथी यहां पर है म्यूजियम, पांचवी है की, फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग। तो ये 9 टैक्सोनॉमिक ऐड हैं जो आपको याद करने हैं। एक एक करके हम पढ़ते हैं। हर्बेरियम से हम स्टार्ट करते हैं। हर्बेरियम की बात करें तो दिस इज स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन। देखिए दो चीज़ें ध्यान रखिएगा कोई भी टैक्सोनॉमिकल ऐड पढ़ते समय, कि वहाँ पर किससे इकट्ठा किया जाता है और किस फॉर्म में। अब जैसे यहाँ पर प्लांट के स्पेसिमेन को ड्राइड, प्रिजर्व और प्रेस फॉर्म में सीट के ऊपर अरेंज किया जाता है। फर्दर दिस सीट आर अरेंज, जैसे ये हर्बेरियम आपको दिखाया गया है जहां पर स्पेसिमेन को स्टोर किया गया है। दीज स्पेसिमेन आर प्रिजर्व अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दीज स्पेसिमेन अलॉन्ग विद देयर डिस्क्रिप्शन ऑन हर्बेरियम सीट बिकम ए स्टोर हाउस और रिपोजिटरी फॉर फ्यूचर एज। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अलमारियों के अंदर जो स्पेसिमेन है उन्हें स्टोर किया गया हर्बेरियम सीट के ऊपर। अब हर्बेरियम सीट में एक लेबल होता है जहाँ पर हम इंफॉर्मेशन देते हैं, ये एग्जाम में पूछा गया, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश लोकल एंड बॉटनिकल नेम, फैमिली कलेक्टर नेम एक्सेट्रा। जैसे मान लीजिए कि आज आपने मैंगो की पत्ती को तोड़ के उसे स्टोर किया, तो आप क्या करेंगे, डेट, आज की डेट आप डालेंगे 31 मार्च 2020। प्लेस ऑफ कलेक्शन, लखनऊ में आप हैं तो आप डाल देंगे लखनऊ। इंग्लिश नेम में आप मैंगो डालेंगे, लोकल नेम में आम डालेंगे, बॉटनिकल नेम में मैंजी फेरेंडिका डालेंगे, फैमिली एनाकार्डेसी डालेंगे, कलेक्टर नेम में डॉक्टर हरिओम गंगवार आप डाल देंगे, या आपने कर किया है तो आप अपना नाम डाल दीजिए। अब यहाँ पर ये लाइन ध्यान रखने की, हर्बेरिया आल्सो सर्व एज क्विक रेफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिक स्टडीज। ये टैक्सोनॉमिक स्टडीज में क्विक रेफरल सिस्टम, और ये सीधा पॉइंट आप याद करिएगा, सीधा सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। कल अगर लाइव सेशन आपने ज्वाइन किया होगा मेरा, तो मैंने कल ये क्वेश्चन पूछा था, कई बच्चों ने इसका आंसर किया भी था। चलिए अगले टैक्सोनॉमिकल एड पे चलते हैं, दैट इज बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन की अगर बात करें तो यहाँ पर कलेक्शन है लिविंग प्लांट का, ये बात ध्यान रखिएगा। हर्बेरियम में जो प्लांट होते हैं प्रिजर्व होते हैं, प्रेस्ड होते हैं, डेड होते हैं, यहाँ पर लिविंग प्लांट को स्पेसिमेन के रूप में कलेक्ट किया जाता है। और इन प्लांट में इस हर प्लांट के पास में एक लेबल होता है जो इंडिकेट करता है बॉटनिकल और साइंटिफिक नेम एंड इट्स फैमिली। जैसे अगर आप किसी बॉटनिकल गार्डन जाएंगे, वहाँ पर आम का पेड़ लगा होगा, अब उस आम के पेड़ के पास एक बोर्ड लगा होगा जहां पर उसका बॉटनिकल नेम लिखा होगा मैंजीफेरा इंडिका, और उसकी फैमिली लिखी होगी दैट इज एनाकार्डियेसी। अब जो सबसे फेमस बॉटनिकल गार्डन है वो क्यू लंदन इंग्लैंड में है, जिसे रॉयल बॉटनिकल गार्डन कहा जाता है, ये आपको याद करना है। दैट इज लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन इज रॉयल बॉटनिकल गार्डन, दैट इज रॉयल बॉटनिकल गार्डन, अच्छे से याद करिएगा इसको। ये लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन है दुनिया का। इंडिया का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन इंडियन बॉटनिकल गार्डन, जो कि हावड़ा में है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में, और नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, ये है NBRI, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, खूब पूछा जाता है। इंडियन बॉटनिकल गार्डन है IBG, खूब पूछा जाता है। रॉयल बॉटनिकल गार्डन RBG, खूब पूछा जाता है। तो ये नाम जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछे जाते हैं। तीसरे टैक्सोनॉमिकल एड पे चलते हैं, दैट इज म्यूजियम। म्यूजियम जनरली बनाए जाते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, जैसे स्कूल और कॉलेजेस की हम बात करते हैं। म्यूजियम में कलेक्शन होता है प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन का। अब ध्यान दीजिएगा, जो हर्बेरियम है बॉटनिकल गार्डन, वहां पर प्लांट के स्पेसिमेन है, लेकिन म्यूजियम में प्लांट और एनिमल दोनों के स्पेसिमेन। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्लांट और एनिमल दोनों के स्पेसिमेन लिए जाते हैं। अब
यहां पर स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे कंटेनर या जार के अंदर प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में इन्हें रखा जाता है, प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन के तौर पे फॉर्मेलिन का यूज किया जाता है। इसके अलावा प्लांट और एनिमल के स्पेसिमेन को यहाँ पर ड्राई फॉर्म में भी स्टोर किया जाता है, जैसे प्लांट की टहनियाँ हम स्टोर कर सकते हैं, एनिमल के कंकाल को, स्केलेटन को स्टोर कर सकते हैं। इंसेक्ट आर प्रिजर्व इन इंसेक्ट बॉक्सेज आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। लार्जर एनिमल को प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पर जैसे बर्ड और मैमल, इन्हें स्टफ किया जाता है और फिर प्रिजर्व किया जाता है, तो स्टफिंग का तरीका आप यूज करेंगे। और साथ ही साथ जैसे मैंने कहा, म्यूजियम ऑफन है कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल, तो यहाँ पर एनिमल के कंकाल को भी संग्रहित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। अगला चौथा टैक्सोनॉमिकल एड यहाँ पर है, दैट इज जूलॉजिकल पार्क, जिसे आप चिड़ियाघर के नाम से जानते हैं। तो चिड़ियाघर में वाइल्ड एनिमल को रखा जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, जो हर्बेरियम है, बॉटनिकल गार्डन प्लांट के स्पेसिमेन है, म्यूजियम में प्लांट एनिमल दोनों के स्पेसिमेन है, जूलॉजिकल पार्क में केवल एनिमल के स्पेसिमेन और वाइल्ड एनिमल जो जंगली जानवर है उनके स्पेसिमेन यहाँ पर रखे जाते हैं। इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट अंडर ह्यूमन केयर, मनुष्य की देखरेख में, और इन एनिमल को यहाँ रखने से हम सीख सकते हैं उनके फूड हैबिट और बिहेवियर के बारे में। ऑल एनिमल इन ए जू आर प्रोवाइडेड एज फार एज पॉसिबल द कंडीशन सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट। कोशिश ये की जाती है कि चिड़ियाघर में जिन जानवरों को रखा जाए उनको वैसी कंडीशन प्रोवाइड की जाए जो उनको नेचुरल हैबिटेट में मिलती हैं। चिल्ड्रेन लव विजिटिंग दिस पार्क कॉमनली नेम्ड एज जू, इन्हें चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है। फिगर भी एनसीईआरटी ने आपको दिया है। अब आते हैं पांचवें टैक्सोनॉमिकल एड पे, दैट इज की, ये काफी इंपॉर्टेंट, खूब पूछा जाता है, तो इसको जरूर अच्छी तरीके से आप ध्यान रखेंगे। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, की क्या सवाल हमेशा पूछा जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट, की इज अनदर टैक्सोनॉमिकल एड यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। पहली चीज, म्यूजियम और की प्लांट और एनिमल दोनों के लिए यूज किए जाते हैं बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। अब कीज की अगर हम बात करें तो कीज आर बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। कंट्रास्टिंग का मतलब अपोजिट, जैसे ब्लैक और व्हाइट एक दूसरे के अपोजिट, वैसे यहाँ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं। जनरली इन्हें पेयर कॉल्ड कपलेट, यहाँ पर एक पेयर कैरेक्टर होते हैं जिन्हें कपलेट कहा जाता है, और इन दो कपलेट में से किसी एक को हम सेलेक्ट करते हैं, दूसरे को रिजेक्ट करते हैं। दिस रिजल्ट इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ द अदर। हमेशा दो चॉइस में से एक को सेलेक्ट किया जाता है, एक को रिजेक्ट किया जाता है। जैसे कोई एनिमल हमें मिला, अब उस एनिमल में एक्सटर्नल ईयर और बॉडी हेयर है या नहीं है, इसके आधार पे हम उसे मैमल में प्लेस करेंगे या नहीं करेंगे। तो हमारे पास दो सेंटेंस बनेंगे, एक सेंटेंस होगा एक्सटर्नल ईयर एंड बॉडी हेयर प्रेजेंट, और एक बनेगा एक्सटर्नल ईयर एंड बॉडी हेयर एब्सेंट। तो हर स्टेटमेंट को यहाँ पर लीड कहा जाता है, ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड लीड। जैसे मैंने कहा एक्सटर्नल ईयर एंड बॉडी हेयर प्रेजेंट, तो एक लीड हो गया, एक्सटर्नल ईयर एंड बॉडी हेयर एब्सेंट एक दूसरी लीड होगी, दोनों लीड मिलकर कपलेट बनाती हैं। अब इनमें से एक ही एक्सेप्ट होगी, दूसरी रिजेक्ट होनी निश्चित है। जैसे कुत्ते की बात करें, आपसे मैं कहूँ कुत्ते में ये लीड आप यूज करिए दोनों, तो कुत्ते में जब लीड यूज करोगे तो केवल एक ही एक्सेप्ट होगी ना, एक्सटर्नल ईयर एंड बॉडी हेयर प्रेजेंट, मतलब वो मैमल है। तो इस तरीके से अलग अलग टैक्सोनॉमिक कीज हमें बनानी पड़ती हैं अलग अलग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग तरह की लीड का फॉर्मेशन किया जाएगा। जो लीड अभी मैंने बताई एक्सटर्नल ईयर एंड बॉडी हेयर वाली, ये केवल आप मैमल के लिए यूज कर सकते हो। अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए, अलग अलग जीनस के लिए, अलग अलग स्पीसीज के लिए अलग अलग तरह की लीड का यूज किया जाता है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। और लास्ट पॉइंट की में, की आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर, यानी हमें एनालिसिस करती, क्योंकि यहां पर कोई स्पेसिमेन मौजूद नहीं होते हैं। अब बात करते हैं यहां पर फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग, ये चार और तरीके हैं। सम अदर मीन ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन, ये जानकारी इकट्ठा करने के तरीके हैं। दे आल्सो हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। अब जैसे फ्लोरा की बात करें, फ्लोरा टर्म फ्लावर प्लांट से आया है, तो फ्लोरा कंटेन द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ ए गिवन एरिया। एक एरिया में जितने भी प्लांट स्पीसीज हैं इनकी जानकारी हमें फ्लोरा प्रोवाइड करता है।
दिस प्रोवाइड द इंडेक्स ऑफ द प्लांट स्पीसीज फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया. एक पर्टिकुलर एरिया में प्लांट स्पीसीज की जानकारी फ्लोरा देता है. अब बात करते हैं मैनुअल के बारे में. मैनुअल इज यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया. अब इसको ऐसे समझिए कि एक ये पर्टिकुलर एरिया है और इस एरिया में जितनी भी स्पीसीज हैं, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सभी स्पीसीज की जो जानकारी है वो हमें मैनुअल प्रोवाइड करता है. तो मैनुअल एक एरिया में पाई जाने वाली सभी जातियों की जानकारी देता है, जबकि फ्लोरा एक एरिया में पाई जाने वाली प्लांट स्पीसीज की जानकारी देता है. अब मोनोग्राफ की बात करें, बहुत खास है. मोनो का मतलब होता है सिंगल. एक मोनोग्राफ कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन. मोनोग्राफ एक समय में केवल एक टैक्सॉन की जानकारी प्रोवाइड करता है. तो ये बात हो गई सभी टैक्सोनॉमिकल ऐड के बारे में. और अगर यहां पर समरी की बात करें, तो समरी में अगर कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो मैं देख के आपको बता दे रहा हूं कि इसमें कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं है. वैसे आपने ये देख लिया है, जैसे यहाँ पर लिखा है इट रिक्वायर स्पेशल टेक्निक फॉर कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेसिमेन इन हर्बेरिया एंड म्यूजियम. हमें स्पेशल टेक्निक की जरूरत पड़ती है. टैक्सोनॉमी कीज आर ट्यूल दैट हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक. बाकी सारे पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए यहाँ पर. तो बेटा ध्यान ये रखिएगा कि जैसे मैंने यहाँ पर रिवाइज करा, आपको अगर स्पीड तेज लग रही हो तो थोड़ा सा आप स्पीड को स्लो, आपके पास ऑप्शन होता है वहां पर स्पीड को थोड़ा सा आप स्लो करके देख सकते हैं. जिसको कम लग रही स्पीड वो फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकता है और जल्दी इन पॉइंट को कवर कर सकता है. अब यहाँ पर जैसे ये मैंने टॉपिक आपको कराया, अब अगला जो चैप्टर हम लेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, और एक ही वीडियो में आपको मैं पूरा चैप्टर एक साथ कवर कराऊंगा और टाइम करीब 1 से 1.5 घंटे का मैं लूंगा और उसमें पूरा चैप्टर आपको कवर कराऊंगा. और इन चैप्टर को कवर करने के बाद हम इनके क्वेश्चन भी कराएंगे. मतलब चैप्टर 1 मैंने आपको कराया, इसको आप रिवाइज कर लीजिए और रिवाइज करने के बाद इसी के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, तो आपका चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा. थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आपके सिलेक्शन के लिए टाइम बहुत जरूरी है और आपको टाइम निकालना पड़ेगा. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा और मैं पूरी तरीके से आपके साथ हूँ जब तक आपका नीट का एग्जाम नहीं हो जाता है. मैं सारे चैप्टर आपको रिवाइज कराऊंगा, साथ ही साथ हम क्वेश्चन भी करेंगे और मैं 2020 सीरीज और साथ ही साथ एग्जाम्पलर सीरीज अपलोड कर रहा हूँ, उसके क्वेश्चन भी आप देखते रहिए, करते रहिए. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेते हैं वहां पर. और साथ ही साथ अगर आपने पिछली 2 वीडियो चैप्टर की नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ. इस पूरे चैप्टर को इन 3 वीडियो से आप कवर कर सकते हैं. बेस्ट ऑफ लक, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए. कोई भी अगर डाउट आपको है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर पूछिएगा. बेस्ट ऑफ लक.